Okay, students, let's do your number F here. F number जो है वो पहले जो किए थे वो थोड़ा गलत हो गया था, मिस्टेक हो गया था, आज में ही बंद हो गया, तो हम यहाँ फिर से और एक बार करेंगे नंबर F. ये क्वेश्चन इज देयर आर 2.54 सेंटीमीटर इन वन इंच. ओके, देयर आर 2.54 सेंटीमीटर इन वन इंच. हाउ मेनी इंचेस आर देयर इन 51.78 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ पर देखो देयर आर 2.54 सेंटीमीटर इन वन इंच. वन इंच में कितने सेंटीमीटर है? 2.54 सेंटीमीटर है. देन 51.78 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होंगे? ओके, सो लेट्स डू इट. फर्स्ट राइट डाउन देयर आर 2.54 सेंटीमीटर इन वन इंच. सो इन 51.78 सेंटीमीटर, 51.78 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होंगे? तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2.5. तो यहाँ पर देखो हम जब डिवाइड करते हैं पॉइंट को इरेज कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाती है 254 है. 3 डिजिट हम 3 डिजिट एज्यूम करते हैं. फर्स्ट हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 254 को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 254 को, तो कितना होगा? 2 4 8 2 5 10 0 1 2 2 4 1 5, तो कितना है? 508. ये हम ले देंगे 2, यहाँ पे 508. नेक्स्ट हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस नंबर. 7 माइनस 8 करेंगे, ये हो जाएगा 17. 17 माइनस 8 इज योर 9. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0. नेक्स्ट ये डिजिट दीजिएगा, 98 हो गया. नेक्स्ट ये तो फिर से डिवाइड भी होगा, तो हम क्या करेंगे? 0 लेंगे, 254 इंटू 0 0 हो जाएगा. ओके, सब्ट्रैक्ट दिस, अगेन वी गॉट 98. नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट पुट करेंगे, पॉइंट पुट करने से क्या होगा? यहाँ पे एक जीरो एंटर होगा, तो ये हो जाएगा 980. नेक्स्ट 254 में हम अगर 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जब 12 वन इज रिमेन, 3 5 जब 15 एंड 1 16 अगेन वन इज रिमेन, 3 2 जब 6 एंड 1 7, तो कितना है? 762. अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इस 3 पे 3 इधर लिख दिया 762. नेक्स्ट सब्ट्रैक्ट दिस, 8 0 माइनस 2 तो रहेगा, ये हो जाएगा 10. 10 माइनस 2 8, ये हो जाएगा 7. 7 माइनस 6 1. नेक्स्ट 2 माइनस 9 माइनस 1 सॉरी 9 माइनस 7 2 289. ओके, नेक्स्ट यहाँ पर फिर से 0 ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक पॉइंट पुट किए. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 2180 आया, 254 में अगर हम 8 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 4 जब 32 3 इज रिमेन, 8 5 जब 40 एंड 3 43 4 इज रिमेन, 8 2 जब 16 एंड 4 20. आसपास आया इसमें आसपास, तो हम यहाँ पे 2032. नेक्स्ट यहाँ पे 8. सो नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जगह नहीं है तो यहाँ पे करते हैं, 2 माइनस 0 3 होगा 10 माइनस 2 8, नेक्स्ट यहाँ पे 7. 7 माइनस 3 4, ये 1 माइनस 0 1 और 2 माइनस 2 0, तो फिर से ये हम 0 ऐड करूँगा. तो इसको अगर हम और डिवाइड करते जाएंगे तो ये कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर आपको क्या आ रहा है यहाँ पे? 20.38. ओके, सॉरी यहाँ पे कितना लिखा है आपको? 8 एंड 7 1 4. ओके, तो इसको अगर हम और डिवाइड करते जाएंगे तो ये तो और डिवाइड नहीं होगा, तो आंसर आपको फाइनल आंसर मिलेगा 20.38 इंचेस. ओके, तो आपके 51.78 सेंटीमीटर में कितने इंचेस होंगे? तो यहाँ पे लिख दिया नीचे, हेंस देयर आर 20 एंड 20.38 इंचेस
in 51.78 centimeter. Your required answer. Now come to your number Z. There are 1.6 kilometer in a mile. 1 mile in a kilometer say 1.6 kilometer. How many kilometer are there in 98.7 miles? This number is same as your number X. So let's do your Z number here. First item. There are 1.6 kilometer in 1 mile. Okay, 1 mile in the kilometer will be 1.6 kilometer. Then 98.7 kilometer, sorry, miles make it 3 kilometer only. So we are going to divide the 1.6. So divide करते हैं हम coordinate put करते हैं, so इसको remove करते हैं, erase करते हैं, next 16 इसे हम divide करते हैं, 16 में अगर हम आपका 4 multiply करते हैं, 4 6 24, तो इस remain 4 1 4 है तो 64 है. अगर हम 6 multiply करते हैं, 16 multiply by 6 6 36 3 is remained 616 entry 96 are. Okay, we have given 96, we have given 6, we have again 96. Okay, now separate this. This one separate the 8 minus 6 2, 9 minus 9 0, next 7 0 is here. Okay, next 16 multiplied by total is 32 are 7, 27 is a part of it, we have 1, 16 1 the 16. Okay, now subtract this 7 minus 6 1, 2 minus 1 1. Okay, now 11. Agar hum yahan pe point put kare to yahan pe 0 aayega. 1 ko take lenge. Next 16 mein agar hum 6 multiply karte hain, 8 hamara kitna aata hai? 16 6 se 96 aata hai. Yahan pe 16 hai, to yahan pe jana 96. Next 10 minus 6 4. Yahan pe fir se 10 ho jayega, 1 and 0 take 10 minus 9 1. Okay, now 4. 14. Next yahan pe fir se 0 4 hoga. क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हमने पॉइंट डाल दिया. नेक्स्ट 140 है. नेक्स्ट अगर हम 16 से 8 मल्टीप्लाई करते हैं, 8 6 जा 48 फॉर इस में 8 1 का 8 एंड 4 12 128. ओके, 8 6 जा 48 फॉर इस में 8 1 का 8 एंड 4 12 इस 128 है. यहाँ पे लिख दिए 8. Next subtract this. 8 minus 0. Sorry, 0 minus 8 to 9. 10 minus 8. 2. Use again 3. 3 minus 2. 1. 12. Okay. Fifth second one. Divide chapter 23. Divide the number completely. So, ये भी stop करते हैं. Point के बाद अगर तुम्हारा आपका 2 digit आ जा रहा है, तो ये भी stop कर देना. Okay. Point के बाद कुछ ज़्यादा digit में करना नहीं है. 2 digit ही रखना है. Then, now write down. Hence, there are, your answer is 61.68 kilometers in कितने kilometers है? 98.7 miles में आपके 61.68 kilometers high. Okay, this is your answer. Now, edge number. What is the average number of kilometer per day? Okay, kilometer per day हमें find out करना है. Dinesh drove on 1,345 kilometer trip dot in 6.5 days. 6.5 days में उसने 1,345 kilometer drive किया. तो वन डे में पर डे के हिसाब से उसने कितना ड्राइव किया वो हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे हम क्या करना है, पर डे का वन डे का फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. ओके ओके, सो फर्स्ट राइट डाउन हियर. दिनेश ड्रोव ऑन 1,345 kilometer in
एंड हाफ डेज, सिक्स एंड हाफ डेज में उसने 1345 किलोमीटर ड्राइव किया। देन वन डे में उसने एवरेस्ट कितना किलोमीटर ड्राइव किया हमें फाइंड आउट करना है। सो फर्स्ट राइट डाउन एवरेज नंबर ऑफ किलोमीटर पर डे is equal to 1345 divided by 6 and half। तो 6 and half को हम क्या करेंगे, आपको decimal form में convert करने को 1345 divided by इसको हम decimal form करेंगे। तो पहले इसको fraction में integer fraction में convert करेंगे, तो numerator के साथ whole number को multiply करते हैं, next denominator के साथ प्लस करते हैं। तो 6 2 12 12 by 1 sorry 6 2 12 12 by 1 13, तो कितना है 13 by 2। ओके नेक्स्ट फिर से इसको कन्वर्ट करेंगे 1345 डिवाइडेड बाय 13 by 2 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 6 12 12, 13 minus 12 1 आया, यहाँ पे पॉइंट पुट कर दिए तो यहाँ पे 0 हो गया, 2 5 10। ओके तो यहाँ पर आपका ये डेसिमल फॉर्म में कितना है 6.5। अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे, ओके सो लेट्स डिवाइड दिस नंबर हियर 1345 डिवाइडेड बाय 65 हो जाएगा, पॉइंट को हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे। ओके नाउ डिवाइड दिस जीरो हुआ तो आपका क्या करना है
65 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जा 10, 1 इज इक्वल टू 66 तो 130 है, तो यहां लीजिए 2, यहां पे आ जाएगा आपको 130। ओके, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 150 माइनस 130 20 आ गया, नीचे लिखे थे 20। ओके, नेक्स्ट यहां पे देखो आपका आंसर कितना है, 20.692। तो अब अगर हम यहां पे लिखते हैं 20.692 तो हो गया, बट यहां पे देखो एक होल नंबर के साथ एक डेसिमल नंबर को डिवाइड किए, तो डिवाइड करने से क्या होता है, कौन सा होता है राइट साइड में आपका क्या हुआ रिप्लेस, मतलब मूव करेगा। देखो यहां पर कितना डिजिट के बाद कौन सा पॉइंट, डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम ये पॉइंट को यहां पे लाएंगे। ओके, 206.92 हो जाएगा आपका आंसर। ओके, कैसे हुआ देखो, ये वन डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट को हम वन डिजिट के बाद लगाएंगे, यहाँ पे वन डिजिट के बाद लगाएंगे पीछे जाएंगे। ओके, सो दिस इज योर आंसर 206.92 पर डे। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू योर आई नंबर। माय बोतल ऑफ मेडिसिन कंटेन्स 21.5 मिलीलीटर। ओके, एक बोतल जो मेडिसिन का उसमें कितना टोटल मेडिसिन है, 21.5 मिलीलीटर। आई टेक 1.75 मिलीलीटर एस ईच डोज, एक डोज में वो कितना अमाउंट लेता है, 1.75 मिलीलीटर। हाउ मेनी डोजेस आर इन द बोतल, तो अगर 21.5 मिलीलीटर को थोड़ा थोड़ा 1.75 मिलीलीटर लेकर वो डेली लेगा डोजेस, तो उसको कितने डोजेस लेने पड़ेंगे वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स डू योर आई नंबर। फर्स्ट राइट डाउन, बोतल ऑफ मेडिसिन कंटेन्स, बोतल ऑफ मेडिसिन कंटेन्स 21.5 मिलीलीटर। यू टेक 1.75 ml/milliliter as each dose. Okay, now find out the number of doses in the bottle. So write down here. Doses are in the bottle is equal to total कितने amount है, 21.5 मिलीलीटर divided by 1.75. So let's divide this. 21.5 यहाँ पर हमें divide कर देते हैं, हम क्या करते हैं point को remove कर देते हैं। Now consider 3 digit first. तो यहाँ पर अगर हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 ही मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा 175। ओके, नाउ सब्ट्रैक्ट दिस, 5 - 5 = 0, इट्स 1 - 7 होगा, तो 1 से डिवाइड करने से ये हो जाएगा, और करने से ये 11 - 7 = 4, ये 1 - 1 = 0। ओके, तो 40 है, नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट पुट करते हैं, यहाँ पर लगा आपका 0, तो कितना है 400। अगर हम 175 में 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 = 14, 1 = 3, 3 7 = 21, 21 and 1 = 22, तो यहाँ पर 2 बच गया, इट्स 3 1 = 3 and 5 हो गया, तो ज़्यादा हो गया, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो लेट्स डिवाइड 175 विथ 2, 2 5 = 10 1 = 2 7 = 14 and 1 = 15 1 = 2 and 1 = 3, कितना है 350, तो यहाँ पर 350। नेक्स्ट 5 0 - 0 = 0, यहाँ पर 1 देना है उसे, 10 - 5 = 5, ये हो जाएगा 3 3 - 3 = 0, तो कितना है 50। ओके ओके, तो यहाँ पर 50 है, तो और एक 0 पुट कर देंगे यहाँ पर पॉइंट है, तो
नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 500, तो हम क्या करेंगे 175 में और से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 350 आएगा, 4 मल्टीप्लाई करने से ज्यादा हो जाएगा 525, तो हम फिर से 2 लेंगे, ये हो गया आपका 350। फिर से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 0 माइनस 0 0 ये टर्न हो जाएगा 10 माइनस 5 5 और ये हो जाएगा 4 माइनस 3 1 150। फिर से यहाँ पे 0 मूव करेंगे। ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे 175 में अगर 8 मल्टीप्लाई करेंगे, 1.228 है, यहाँ पे लिख देते हैं 1.228 है, तो अब हम क्या करेंगे 1 वर्ड इधर आएगा, ये हो जाएगा 12.28, दिस इज योर आंसर। ओके नेक्स्ट इज योर नंबर सेम, 2.5 मीटर ऑफ वूल कॉस्ट 26 रुपीस, हाउ मच देन 1 मीटर कॉस्ट, 2.5 मीटर वूल का कॉस्ट है 26 रुपीस देन 1 मीटर, वन थिंग को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, सो लेट्स राइट हियर, 2.5 मीटर वूल कॉस्ट हाउ मच रुपीस, रुपीस 26, देन 1 मीटर वूल कॉस्ट, 1 मीटर वूल कॉस्ट इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 2.5. ओके सो लेट्स डिवाइड दिस नंबर हियर 26 डिवाइडेड बाय 25 कर देंगे, सो ये हो जाएगा 25 मान जा 25। ओके देन सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 5 1 2 माइनस 2 0। ओके नेक्स्ट यहां पे पॉइंट मूव करने से यहां पे हो जाएगा 0। नेक्स्ट फिर भी अगर हम 25 से अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम 0 मल्टीप्लाई करते हैं हो जाएगा 0। ओके नेक्स्ट ये हो जाएगा फिर से 10 पॉइंट टू किए हैं तो ये यहाँ पे और 0 प्रूफ होगा, नेक्स्ट 40 25 हो जाए। ओके तो ये आंसर यहाँ पे आपका कितना है 1.0, यहाँ पर लिख देते हैं 1.04, बट वन डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम ये पॉइंट को फिर वन डिजिट के बाद शो करें तो ये हो जाएगा 10.4 रुपीस। ओके दिस इज योर आंसर। ओके नाउ कम टू योर के नंबर, द रीडिंग ऑफ द डायल विल 3.45, 2.75 एंड 3.61, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रीडिंग्स। ओके तो यहाँ पर कुछ रीडिंग्स दिए गए हैं तो इसको इसका हमें एवरेज रीडिंग फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सारे को टोटल ऐड कर देंगे प्लस कर देंगे नेक्स्ट नंबर ऑफ रीडिंग के साथ डिवाइड कर देंगे। ओके समझो सो लेट्स डू योर नंबर हियर, सो फर्स्ट राइट डाउन हियर रीडिंग्स वर रीडिंग वर क्या क्या है 3.4 5 2.75 एंड 3.61 देन एवरेज ऑफ द रीडिंग, एवरेज ऑफ द रीडिंग, एवरेज ऑफ द रीडिंग इज 3.4 प्लस 5 प्लस 2.75 प्लस 3.61 बाय कितने रीडिंग्स है 1, 2, 3, 4 रीडिंग्स है, तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, सो लेट्स डिवाइड दिस 3.4 ये साइड को हम क्या करते हैं प्लस लेंगे पहले 1 से प्लस 1 देखो यहाँ पे 6 है यहाँ पे 5 है तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं ऑफ दिस 3.4 नेक्स्ट 5 नेक्स्ट 2.7
7.561। इसको वन प्लेस में कुछ नहीं है जीरो, इसके कोई प्लेस में कुछ नहीं है तो इसमें जीरो ऐड कर देते हैं। ओके नेक्स्ट 5 + 1 = 6, 4 + 7 = 11, 11 and 6 7 डिग्री, 1 is taken over to this place, 3 and 1, 4, 4 and 5, 9, 9 and 2, 11, and 11 and 3 is your 40, we have to give 40 and a point, so we have 40.76 by 4, by 4 is kya ho gayi, isko hum divide kar denge, okay, we have to give 14.76 divided by 4. Exercises of chapter number 6. Okay, thank you. Have a good day.